हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर एक बेहतरीन कहानी को सजो आमिर खान की फिल्म का ये आपको अलग दुनिया में ले जाएगी। ये दिल छूने वाला है। दोस्तों, आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। इस ट्रेलर में आमिर खान के सारे सेट्स नज़र आ रहे हैं। बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर IPL फाइनल के दौरान रिलीज किया गया। इस ट्रेलर का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। ये फिल्म अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म फॉरेस्ट गम की ऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म को अद्वैत चंदन ने डायरेक्ट किया है और इसके ओरिजिनल स्क्रीन प्ले को लिखा है एरिक रोथ ने। इसे आमिर खान, किरण राव, ज्योति देशपांडे और अजीत अंधेरे ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में आमिर खान की अपोजिट करीना कपूर खान नज़र आने वाले हैं और मोना सिंह आमिर खान की मां के किरदार में दिखाई देंगी। इस फिल्म की कहानी बहुत सारे मोड़ से होकर गुजरती है, जैसा कि ट्रेलर में नज़र आ रहा है। इस ट्रेलर की खास बात यह है कि इसमें आमिर खान ने अपनी पहले की हुई फिल्मों की तरह इसमें भी बेहतरीन एक्टिंग की है। ट्रेलर की शुरुआत एक पंख से होती है जो उड़ती हुई ट्रेन में बैठे आमिर खान के पैरों के पास आ गिरती है और बैकग्राउंड से आमिर की आवाज़ आती है, जो होता है वो हम कहते हैं, या फिर हवा में यूँ उड़ता है फिरता है यहाँ से वहाँ, वो पंख को देखते हैं। इसके बाद उनके बचपन को दिखाया गया है जहाँ उनके पैर में लोहे की रॉड लगी है और वो उसी के सहारे चल रहे हैं। एक छोटी बच्ची पूछती है कि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? इस पर वो बच्चा कहता है कि मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। बचपन से ही लाल सिंह चड्ढा को उनकी माँ आत्मनिर्भर होना सिखाती है। एक सीन में जहाँ वो सामान का थैला उठाए दुकान से वापस अपनी माँ के साथ लौटता है और तभी एक सरदार जी कहते हैं कि लाओ जी ये मैं उठा लेता हूँ, और फिर मोना कहती है कि ओए तू अपना काम कर, ये खुद उठाएगा। मतलब ये है कि एक बच्चे को उसकी कमजोरी बताकर उसे और कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। इस ट्रेलर ने सबसे पहला मैसेज तो ये दिया है कि जो कि काफ़ी अच्छा है, टीचर भी उस बच्चे को सबसे कमज़ोर मानते हैं लेकिन उसकी माँ का अपने बेटे में पूरा यकीन होता है और इसी यकीन का नतीजा होता है कि वो रेस में सबसे अव्वल आता है। ज़िंदगी में जो भी काम करता है उसमें अव्वल आता है। हाँ, वो हरकतें थोड़ी बच्चों वाली करता है लेकिन बच्चा है नहीं। इस ट्रेलर में कई सारे वेरिएशन दिखाए गए हैं जिसमें आमिर खान के अलग अलग सेट्स नज़र आते हैं। कभी आमिर खान एक यूनिवर्सिटी टॉप होते हैं तो कभी रेस में फर्स्ट आते हैं, कभी तो वो सेना में देश के लिए बेहतरीन काम करके राष्ट्रपति से मेडल पा रहे हैं तो कहीं वो खाली सुनसान रास्ते पर बेसुध भाग रहे हैं। ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं आमिर की पिछली फिल्म PK की भी थोड़ी बहुत याद दिलाएगा। तो आपको सलमान खान की फिल्म भारत की भी इसकी कहानी में भर भर के लोगों के इमोशन बाहर आने वाले हैं। जैसा कि ट्रेलर में भी नज़र आ रहा है कि ट्रेलर में करीना कपूर खान भी बेहतरीन एक्टर करती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि वो आमिर को पसंद तो करती हैं लेकिन उनसे शादी नहीं करती, लेकिन शादी न करने का उन्हें मलाल भी होता है। कुछ लड़ाइयाँ जो आपस में अक्सर हो जाती हैं वो भी एक सीन में बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। और ट्रेलर का अंत भी उसी ट्रेन पर आकर ख़त्म हुआ है जहाँ से ट्रेलर की शुरुआत हुई। आखिर में आमिर ट्रेन में किसी से बात करते हुए कहते हैं कि मेरी मम्मी कहती थी कि ज़िंदगी गोलगप्पे की तरह होती है, पेट भले ही भर जाता है पर मन नहीं भरता। इसके बाद फिल्म का नाम स्क्रीन पर उभर कर आता है और बैकग्राउंड में टाइटल सॉन्ग कहानी प्ले होता है। 2 मिनट 45 सेकंड के इस ट्रेलर में ये दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि फिल्म में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आप आमिर खान से उम्मीद करते हैं। एक बेहतरीन कहानी, बेहतरीन स्क्रीन प्ले, बेहतरीन एक्टिंग और एक गजब की जर्नी, बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन गाने और बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर। वैसे तो आमिर 4 साल बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि ये फिल्म आते ही लोगों के बीच छा जाएगी और बॉक्स ऑफिस पर भी ये धमाल मचाने वाली है। एक तरीके से ये मूवी सीक्वल हॉलीवुड मूवी की ज़रूर है लेकिन उस कहानी से छोटे छोटे पार्टों को डिवाइड करके और थोड़ा चेंज
चेंज भी किया गया है, इसलिए ये मूवी रीमेक होते हुए भी रीमेक नहीं कही जाएगी। मूवी अच्छी है तो चल, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, हमें सपोर्ट करते हैं।